नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी के भाषण के साथ शुरू हुए महाधिवेशन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। कांग्रेस पार्टी के 84वें महाधिवेशन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। दिल्ली में आयोजित महाधिवेशन को आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संबोधित करेंगे, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का समापन भाषण होगा। इस दौरान अलग अलग पार्टी नेताओं की तरफ से कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। मनमोहन सिंह सुबह 11:30 बजे भाषण देंगे। इसके बाद शाम 4 बजे राहुल गांधी का समापन भाषण होगा। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी के भाषण के साथ शुरू हुए महाधिवेशन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। अपने संबोधन में सोनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र और बीजेपी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार की जमकर आलोचना की थी। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के वादों और नारों को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और उनके करीबियों के झूठे फर्जी दावों और भ्रष्टाचार का हम सबूतों के साथ खुलासा कर रहे हैं। लोग अब समझ रहे हैं कि 2014 के सबका साथ सबका विकास और मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसे उनके वादे सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी और वोट हथियाने की चाल थी, कुर्सी हथियाने की चाल थी। इससे आगे उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा भारत बनाना है जो सत्ता के भय और मनमानी से मुक्त हो, ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति के जीवन की गरिमा बनी रहे, पक्षपात मुक्त भारत, प्रतिशोध मुक्त भारत, अहंकार मुक्त भारत। इसके लिए हर कांग्रेसजन को बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाएगी, लेकिन जिस तरह बीजेपी और आरएसएस के लोग घर घर जाकर प्रचार करते हैं उसी तरह हमें भी काम करना होगा।